तो फ्रेंड्स, बिहार में प्रतियोगिता आयोजन कक्षा 6 से 12 तक के स्टूडेंट भर सकते हैं। ये अभी अभी बड़ी खुशखबरी दोस्तों, जिला वाइज है दोस्तों, जिला वाइज आयोजन होने वाली है, जिला वाइज प्रतियोगिता होगा। तो पहले आओ के आधार पर है, तो जल्दी से फॉर्म भर लो, जो कि इसका लास्ट डेट हो गया है 21 जून तक है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें किस्मत आजमा सकते हो। तो आपको कैसे भरना है फॉर्म, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसके बाद आपको बता दें कि अपना ओपिनियन भी बताने वाला लास्ट में कि इसको आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा लोग कमेंट करते हैं कि आप अपना राय नहीं बताते हैं कि कैसा है फॉर्म है क्या है, तो इसमें आपको लास्ट में भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो क्या है ये, तो इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे देख सकते हो कि मैथमेटिक्स, और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है कि ओलंपियाड 19 जुलाई को और 21 जून तक करें आवेदन। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि मैथमेटिक सोसाइटी के सभी जिला स्तरीय, ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि जिला स्तरीय मिशन गुणवत्ता शिक्षा समिति के सदस्य के साथ ऑनलाइन बैठक की है, और बैठक की अध्यक्षता संयोजक डॉक्टर विजय कुमार ने किया। उन्होंने कहा है कि टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड 19 जुलाई को होगा। इसमें वर्ग 6 से 12 तक स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया, यहाँ पे देख सकते हैं डेट बताया गया है कि 21 जून तक जारी रहेगी। वही ऑफलाइन व ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सभी जिला में आयोजित होगी, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षण 22 से 29 जून, विशिष्ट प्रशिक्षण 1 से 15 जुलाई तक दिया जाएगा। जो कि यहाँ पे दिया गया है कि प्रोफेसर केसी सिन्हा ने कहा है कि ओलंपियाड तथा टैलेंट नर्चर कार्यक्रम से चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण व सहयोग भी दिया जाएगा, सपोर्ट भी करेगा। और यहाँ पे दिया गया कि बच्चों को विभिन्न कॉलेजों व गणित विभाग से शिक्षक प्रशिक्षित करेंगे, और ओलंपियाड में प्रत्येक वर्ग से 15 अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा, जिसमें यहाँ पे दिया गया है, जिसमें यहाँ पे प्रथम तृतीय टॉपर को स्वर्ण पदक जो हो गया वो, और रजत व कांस्य पद और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही अन्य बच्चों को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी, और स्टूडेंट जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाकर आप इसे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि www.bmsbihar.org पर जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए वेबसाइट पर चलते, क्या दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेबसाइट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपको ये मोबाइल नंबर भी दिया गया है, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी, और यहाँ पे नीचे में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे आप भर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे एडिट अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं, अपडेट वहाँ पे कर सकते हैं, या कोई एडिट है जो कोई गड़बड़ हो गया तो आप एडिट कर सकते हैं, और रीप्रिंट एप्लीकेशन रिपोर्ट, और ऑफलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म, और चेक योर पेमेंट। तो चलिए देखते हैं दूसरे पेज को। तो फ्रेंड्स, ये रहा फॉर्म, जो कि जो आप लोग ऑफलाइन भरना चाहते हो उन लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है कि एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपया, और एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ी विथ ट्रेनिंग भी साथ में करना चाहते हो उसको यहाँ पे 250 रुपया लगने वाला है। भाई, ऑनलाइन की बात करो तो यहाँ पे ऑनलाइन इसका पेज दिया गया है, जहाँ पे आप इसे ऑनलाइन भी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो क्लास कौन सा क्लास है, वो भी चूज कर सकते हो, यहाँ पे जो भी हो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे मेल फीमेल है वो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, या कोई थर्ड जेंडर। यहाँ पे भरने के बाद यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो वगैरह लगने वाला सिग्नेचर, उसके बाद सबमिट करना है, उसके बाद आपको पेमेंट लगेगा। तो आप बात करते हैं अपना ओपिनियन का, तो मैं आपको ओपिनियन देना चाहता हूँ कि यदि आप मैथ के बोले टैलेंट है, यदि मैथ में, तो आप इसमें यहाँ पे किस्मत आजमा सकते हो, क्योंकि ये प्रत्येक ज़िला में इसी के लिए हो रहा है। जो भी टैलेंट सर्च टेस्ट होगा, इसमें जो भी टैलेंट होगा वो भी मैथिक
मैथमेटिकल यानी गणित विषय से यदि आप अच्छे पकड़ है आप मैथ में, तो आप उसको आजमा सकते हैं, अपना किस्मत आजमा सकते हैं, इसमें आप भाग ले सकते हैं, जो कि जिला स्तर पर आपको अभी एग्ज़ाम वगैरह सब होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप इसमें ऑप्शन भी दिया गया है कि सेंटर के बारे में दिया गया है, जो कि मैं आपको ये दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि चॉइस ऑफ, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हो जोन भी जिला से है उस जिले को आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जिले में ही होगा। तो अपना ओपिनियन में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी टैलेंट है मैथ में, अच्छा पकड़ है, वही लोग फॉर्म भरे, अन्यथा आप नहीं भरे, फालतू में रुपया बर्बाद ना करें। यदि आप चाहते हैं कि हमें पकड़ है मैथ पर, अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो आप इसे भर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और वीडियो तक को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप उसमें जानकारी ले सकते हैं या फिर आप भर सकते हैं। थैंक यू।